हेलो फ्रेंड्स, बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र हैं, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं कि जिनको फ्रेंड्स सेकेंड राउंड में भी कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, उनके लिए अभी भी एक मौका है। उसको फ्रेंड्स बोला जाता है मॉपअप काउंसलिंग। क्या कहा जाता है इसको? मॉपअप काउंसलिंग कहा जाता है। तो मॉपअप काउंसलिंग में कौन भाग ले सकता है, मॉपअप काउंसलिंग क्या होता है, यह कैसे होता है, इसमें कितना पैसा लगता है, यह ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, सारा प्रक्रिया, मॉपअप काउंसलिंग का सारा प्रक्रिया आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करना है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, मॉपअप काउंसलिंग को समझिए। सबसे पहले मॉपअप काउंसलिंग क्या होता है, पहले क्या होगा, सेकेंड राउंड का जो फ्रेंड्स जिनको जिनको कॉलेज मिल गया है, इनका जो है एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन होने के बाद जो है बोर्ड के द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्या जारी किया जाएगा, बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि ऑनलाइन विलिंगनेस, इसको कहा जाता है ऑनलाइन विलिंगनेस, आपको भरा जाएगा कोई भी डेट में। जैसे मान लीजिए 20 से 28 का दिया, ठीक है, ऐसे ही बता रहे आपको, मान लीजिए यहाँ पर बोलेगा 20 से 28 के बीच आपका ऑनलाइन विलिंगनेस भराएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होता है ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर, जो वेबसाइट पर आप देख रहे हैं इसी वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिव होगा। ठीक है, और उसमें एक डेट दिया जाएगा कि मान लीजिए कि 20 से 28 तक आपको विलिंगनेस भरना है, तो वह जो है ऑनलाइन करना होता है आपको। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आगे का प्रक्रिया होगा हम आपको बता दे जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखिए तो क्या होगा, अभी जो है बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, उसमें डेट दिया जाएगा कि इससे इस डेट के बीच जो है ऑनलाइन विलिंगनेस आप भर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप वो ऑनलाइन भी कर देते हैं, उसके बाद जो है बोर्ड की तरफ से जो है एक लिस्ट जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा, एक लिस्ट जारी किया जाएगा। लिस्ट जारी हो गया, इसमें आपका रोल नंबर रहेगा। ठीक है, इसमें आपका रोल नंबर, जो कुछ भी रोल नंबर हो सकता है, सबका यहाँ पर रोल नंबर इसमें जारी कर दिया जाएगा। रोल नंबर आ गया, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर डेट दिखाएगा, किसी को 28 को बुलाया जाएगा, किसी को 29 को, किसी को 2 तारीख को, किसी को 3 तारीख को, डेट कुछ भी हो सकता है, ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ फ्रेंड्स आपको डेट लिखा रहेगा कि आपको यहाँ पे आइए। अच्छा, डेट उसमें लिखा रहेगा, जाना कहाँ होगा आपको। तो यह जो प्रक्रिया होता है फ्रेंड्स, यह जो प्रक्रिया होता है वह बीसीसी बोर्ड, ठीक है, बीसीसी बोर्ड पटना में होता है। ठीक है, या जो है एयरपोर्ट के पास या बोर्ड है फ्रेंड्स, वहाँ पे जाने के बाद जो है यह प्रक्रिया होता है, या ऑफलाइन प्रक्रिया होता है। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है और आपका एडमिशन होता है। ठीक है, इसमें कितना पैसा लगता है, क्या क्या लगता है, यह जो है फ्रेंड्स आगे का वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। मेरे दूसरे चैनल पे भी वीडियो आ रहा है मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित, डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे या तो उसका हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।